इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। नवांगटोक पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने संभाला कन्नौज का चार्ज। 2016 बैच के एसपी ने मीडिया से की मुलाकात, दिया अपना परिचय। सिद्धार्थनगर से कन्नौज भेजे गए एसपी अमित कुमार आनंद, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मीडिया से लिया सबका परिचय। आज मुझे एसपी चार्ज मिले थे और जनता की अपेक्षाएं पुलिस के साथ रहती है कि हम नगर निगम पूरा कर्तव्य का पालन करेंगे और क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, साइबर क्राइम है, इस पर विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा जो मुख्यालय से ऑपरेशन दृष्टि, ऑपरेशन कन्विक्शन, इस पे जो कार्रवाइयाँ चल रही है उनको और प्रबल करके क्रियान्वयन कराएंगे। मिशन शक्ति है, इसके लिए हमारे स्पेशल सर कानून व्यवस्था मजबूत करने की रणनीति बनाएंगे। अभी आज पहला दिन है तो यहाँ पे क्या क्राइम का सिनारियो है उसको एक बार स्टडी कर लेंगे, तो उसमें हम लोग बैठकर सर मुख्यतः आपका क्या चैलेंज रहेगा जिले को देखते हुए, आपका मुख्यतः क्या चैलेंज रहेगा जिले को देखते हुए? अभी जो जनरल एज ए पुलिस ऑफिसर हमें क्राइम लॉ एंड ऑर्डर उस पर विशेष फोकस रहता है, साथ ही जो मुख्यालय से इस समय जो अपराधियों के विरुद्ध सजा कराने का अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है उस पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही ऑपरेशन दृष्टि इसको बेहतर क्रियान्वयन करेंगे और कोशिश रहेगी कि न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ को पुलिस में इम्प्लीमेंट करेंगे और मुनाकर कर पब्लिक को बेहतर से बेहतर सर्विस हम लोग प्रदान करने का पूरा प्रयास। सर पूरे बीच पुलिस की पकड़ और इसके मजबूत करने के लिए क्या करें? इसमें जनता से हमेशा संवाद बना रहना चाहिए, पुलिस के एक एक कर्मी का, कॉन्स्टेबल से लेकर एसपी तक का डायरेक्टर, पब्लिक से जब जुड़ाव रहता है तो बेहतर सूचनाएं मिलती हैं, बेहतर तरीके से कार्य होते हैं। इससे पूर्व के जिलों में हमने ऑपरेशन संवाद करके बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, बेहतर कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए कार्य किए हैं, उसको भी यहाँ पर क्रियान्वित करने का प्रयास करें। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।